नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी अपने निषाद संकल्प यात्रा के क्रम में सुपौल पहुंचे, वहां उनका पुरजोर स्वागत किया गया। मुकेश सहनी ने सुपौल में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और साथ ही इस संकल्प यात्रा के दौरान वो एक बार फिर से भाजपा पर हमलावर होते हुए नजर आए। मुकेश सहनी केंद्र की भाजपा सरकार पर सियासी हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि निषाद संकल्प यात्रा में उमड़ रही लोगों की भीड़ और लिया जा रहे संकल्प से संदेश साफ है कि अब हमें आरक्षण लेने से कोई नहीं रोक सकता। सहनी ने कहा कि हम नदियों में मछली मारने वाले हैं, लेकिन राजनीतिक में हमारी प्राथमिकता निषादों का आरक्षण है। आजादी में हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी, लेकिन आज भी हमें सही तौर पर आजादी नहीं मिली है। आज निषादों के पास न घर है, न इलाज और न ही अस्पताल। उन्होंने कहा कि देश का संविधान एक है, एक प्रधानमंत्री है, तो बिहार, यूपी और झारखंड के निषादों से धोखा क्यों? अन्य राज्यों में जब निषादों को आरक्षण है तो इन राज्यों में क्यों नहीं? आज केंद्र में बैठी सरकार गलतफहमी में है कि फिर से निषादों का वोट खरीद लेंगे, लेकिन अब निषाद संकल्प लेकर तय कर लिया है कि जो उनकी सुनेगा वह भी उन्हीं की सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। सैनी ने इन सभी स्थानों पर उपस्थित हजारों लोगों के हाथ में गंगाजल देकर अपने हक और अधिकार तथा समाज की लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष करने का संकल्प दिलवाया। उन्होंने उपस्थित लोगों में जोश भरते हुए कहा कि यह जन सैलाब एवं लोगों का पार्टी के प्रति संकल्पित होना समर्थन देने का संदेश साफ है कि निषाद भाइयों ने तय कर लिया है कि जो हमारी सुनेगा उनकी हम सुनेंगे और जो हमारी नहीं सुनेगा हम उसकी नहीं सुनेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम किसी भी हाल में निषाद आरक्षण लेकर रहेंगे। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी अपने निषाद संकल्प यात्रा के तहत सुपौल पहुंचे थे, जहां उन्होंने फिर से एक बार अपनी बात दोहराई और कहा कि जो निषादों को उनका आरक्षण दिलवाने में उनकी सहायता करेगा मुकेश सहनी उन्हीं की सुनेंगे। कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ये इशारा करते रहते हैं कि जो भी पार्टी निषादों को आरक्षण दिलाने का वादा करेगी उनकी पार्टी उन्हीं के साथ आने वाला लोकसभा चुनाव लड़ने का सोच सकती है। साथ ही एक बार फिर से उन्होंने लोगों के हाथ में गंगा जल रखवा कर ये संकल्प दिलवाया कि अब मुकेश सहनी के समर्थकों ने ये तय कर लिया है कि निषाद अब किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, निषादों का वोट अब कोई भी खरीद नहीं सकेगा। जो उन्हें आरक्षण दिलाने का काम करेगा, जो उन्हें उनका हक दिलाने का काम करेगा, निषाद उन्हीं को वोट करेंगे और उन्हीं के लिए उनका समर्थन होगा। और क्या कुछ हुआ सुपौल के संकल्प यात्रा में, ये हमने आपको इस रिपोर्ट में बताया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।